केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जहां तक मुझे जानकारी है पूरे कार्यकाल में इनके पास संचिका नहीं गया, तो ये राजनीतिक संचिका लेकर के राजनीति में रोने का नाटक करते हैं। राजनीतिक नाटककार है तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय अश्विनी चौबे जी, आपके जो आका है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ने जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए है, कहा जाता है वो ब्रह्मांड में विषय नहीं है, तो उन्होंने आसाराम बापू का आशीर्वाद लिया था। आप लगता है धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद ले लिए क्या चुपके से यहां से? इसलिए मुझे इंडिया गठबंधन ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाको दम कर दिया है। बेचैन मत होइए, इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप उभर कर आएगा, ऐसे तो ज्यादा उम्मीद है कि आपका टिकट ही कट जाएगा, लेकिन अगर गलती से आप लड़ गए तो नीचे से फर्स्ट करिएगा इस बार इंडिया गठबंधन के सामने। यह तय मान लीजिए, ना आपको भगवान राम बचाने वाले हैं ना हनुमान बचाने वाले हैं, चूंकि आप लोग राजनीतिक जालसाज है। रोजगार मेला के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, 10,000 लोगों का जो 10 लाख लोगों का जो इसमें चयन किया गया था। अब आपकी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग कब रोजगार देंगे? 140 करोड़ का देश, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वायदा, और 27 जुलाई को पार्लियामेंट में यह सरकार कबूल करती है कि 22,05,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और कुल नौकरी इन्होंने दिया केंद्रीय सेवाओं में 7,22,311। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा हूं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, कि हमको काम करने का बिहार में मौका मिला, चाहे वह शिक्षकों की भर्ती का मामला हो या हेल्थ सेक्टर में भर्ती करने का मौका मिला है, भाजपा शासित प्रदेश से हमारी तुलना करिए और छात्र शिक्षक अनुपात, उसके बाद नर्सिंग सुविधाएं, इन तमाम सुविधाओं में, और हमसे तो आप सीखते हैं। 10 लाख रोजगार, कौन क्या चीज का रोजगार दे रहे हैं? कौन सरकारी सेवा है वह? कहां है नियुक्ति पत्र? अरे जो 2013 में आतंकी घटना में मारा गया भाजपा का कार्यकर्ता, उसके परिवार के लोग तो बिलख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा फर्जी वादा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। 6 लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, वह नहीं दिया, और बेगूसराय में अपने दल के पिछड़ी जाति के कार्यकर्ता थे इनके, रामवृक्ष चौधरी, संभवतः मूर्ति भी दूसरा का लगा दिया। तो राजनीतिक जालसाज लोग हैं, नौकरी के नाम पर जालसाजी नहीं तो बताओ किस विभाग की नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, कब उसकी परीक्षा आपने लिया, और आपका जो प्रारूप है नौकरियों का, अलग अलग प्रारूप मत बताइए। पार्लियामेंट में जो बोला है क्या वो सच है? अगर ये सच है तो ये गुनाह है। कल सम्राट चौधरी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो आजादी है हमें वो सही तौर पर 75 के बाद मिली है, और साथ में देखा गया कि मंच पर तमाम जो नेता थे भाजपा के वो हनुमान कथा कर रहे थे। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो फर्जी डिग्री धारी है, फर्जी पगड़ी धारी है, इसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, जो देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेवारी को छोड़ करके देश के लिए कुर्बानी दे दिया, और आप करें 1947 में देश आजाद नहीं हुआ तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नाटक नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, तिरंगा का अपमान, और देश के आजादी के आंदोलन के नायक का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उसमें उपस्थित थे, तो हम तो अनुरोध करेंगे आपसे जेपी नड्डा साहब कि भारतीय जनता पार्टी इस पर नजरिया साफ करे और माफी मांगे देश के सामने कि आपने देश के वीर जो हमारे लड़ने वाले देश की आजादी का, उनका अपमान किया है। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, उससे कुछ लाभ नहीं होना है, क्योंकि हनुमान चालीसा इस सावन का महीना है, सावन महीना में सब लोग रुद्राष्टकम पढ़ रहा है, थी हनुमान चालीसा, देखिए दुर्गति क्या हो रहा है सबका। और पगड़ी मैंने पहनी है नीतीश कुमार को सत्ता था, मैं बता रहा हूँ, तो हनुमान जी का गदा तो लगा ना भाई कर्नाटक में, दे गदा हनुमान जी कहे कि भागो, ये सब राजनीतिक जालसाज है। और नीतीश कुमार जी के बारे में संकल्प लिए हैं, आपको नहीं मालूम है इनके बारे में? इनका जन्म राजनीति में हम लोग दिए, हमारे खास आदमी थे,
इनके पिताजी को भी हम ही लोग एमपी बनाए थे, ये बेचारे कहाँ ही सब था। आई फर्जीवाड़ा में है ना, उम्र में फर्जीवाड़ा, नाम में फर्जीवाड़ा, डिग्री में फर्जीवाड़ा, और पगड़ी जो 24 घंटा आदमी पहने रहेगा, स्नान भी नहीं करेगा, मैंने स्नान करने के समय भी नहीं खोलेगा, पहनना तो है संकल्प लिया है तब, बाथरूम जाने में भी, तो स्वाभाविक है राजनीति में प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण जब फैलता है तो भाषाई प्रदूषण के रूप में परिणत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक का अपमान किया है। ऐसे लोगों को तो राजनीति में, जो राजनीति में देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे, वैसे राजनीति में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को तो राजनीति के खाड़ी में और पाताल में डाल देना चाहिए।